द्वाराकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक व टेम्पो के बीच हुई दुर्घटना के बाद पुलिस ने वहां पर पहुंचकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया, जिसमें यह दुर्घटना टेम्पो में काफी लोग सवार थे जो कुछ दुर्घटना की, वहां पर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जहां की लोग काफी मशक्कत के बाद निकाले जा चुके हैं। पुलिस ने अपनी बड़ी चालाकी से ट्रक को कब्जे में लेते हुए और एसपी साहब ने उस बारे में बैठ देते हुए कहा कि जल्द से जल्द ट्रक ड्राइवर को हम गिरफ्तार कर इस दुर्घटना के टेम्पो ड्राइवर को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे जो कि कब्जे में है। कैराकत थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ड्राइवर भाग निकला। कैराकत थाना के अंतर्गत पुलिस बल पूरे मौजूद रहे, वहां पर कहा काफी छानबीन करने के बाद ट्रक बरामद हो चुका है जो टेम्पो चालक बुरी तरीके से घायल है, हॉस्पिटल के लिए आनंद फानन में पहुंचाया गया। जौनपुर से अमित तिवारी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। ब्लैक सुकुल बाजार लगता है? जगदीश। ब्लैक जगदीशपुर लगता है आपका? अच्छा अच्छा, ये प्रधान के खाते से खड़े इंजाम? हाँ, प्रधान का। अच्छा, तो ईंटे बहुत दूर दूर लगाई जा रही? हाँ, हमने रोका भी जी, ये गलत कर रहे हो, सही सही लगाओ। तो हमने बोला कि 30% हम देते हैं साहब को, इसमें बचेगा नहीं कुछ जी, इसलिए बिरर लगा रहे हैं। अच्छा, 30% कौन से साहब को देंगे? बिलाकुला में या कहीं देंगे? अच्छा, देना पड़ता है बोला। अच्छा, साला कितने का लगा रहे हैं कुछ? अब भैया 6 गया है कि 5 गया है कि 7 गया है कि 12-20 के है, कई कई मसाला है या मसाला। अच्छा, उस लेटरिन के ऊपर अभी लेंटर नहीं डला है आपके? नहीं पड़ा। क्यों नहीं डलवाए हैं? पड़ा है बस वही था। अच्छा, वो टूट भी सकता है? हाँ, चोट भी लग सकती है, तो आप क्यों डलवा रहे हैं उसको? अब कहाँ डलवा, नहीं है वही तो छोड़ गया है, बस मना कर दिया आपने? कहाँ रहने दो। अच्छा, हम कहाँ रहा दिया भैया, यू कहा नहीं, चोट वोट लग सकती है आपको? हाँ? अभी एक बार लग गई है, लग गई है, हम कहा बनवाओ ना, हम खुद बनवा लिए। अच्छा, ये पैसा कौड़ी हुई। थाना कैराकत क्षेत्र के अंतर्गत हुई दुर्घटना में टेम्पो ट्रक के नीचे दब गया था, जिसे क्रेन की मदद से हटा दिया गया है। ट्रक के नीचे से 3 मृत व्यक्ति पाए गए हैं। अब तक इस दुर्घटना में कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 4 महिलाएं एवं 2 पुरुष हैं। इसके अतिरिक्त इस दुर्घटना में 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल जौनपुर में चल रहा है।